फ्रेंड्स नमस्ते, मैं राजकुमारी, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आयो आप भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और फिलहाल फ्रेंड्स मैं एक लौकी आ रही है सामने, देख लीजिए, तो मैं इसको हार्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि लौकी हार्वेस्ट के लिए तैयार हो चुकी है और अच्छी फ्रूटिंग चल रही है। अभी लौकी के और भी फल बन रहे हैं तो समय पर हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ फ्रेंड्स मैं। और मेरे टमाटरों की फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी चल रही है और दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी टमाटर आ रहे हैं और ये देखिए शमी का प्लांट भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। और टमाटर की बात की जाए तो काफ़ी सारे टमाटर चल रहे हैं और ये देखिए लौकी के। और फिर इनको कपड़े से कवर करूँगी, नहीं तो फिर ऐसे ये क्या है कि थोड़ा सा मक्खी डंक मार देगी तो ख़राब हो जाएंगे। और ये लौकी हार्वेस्ट के लिए बिल्कुल रेडी है और ये देखिए, तो इसको कर लेते हैं, कट करते हैं इसको, इसके कपड़े को हटा देते हैं पहले। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये लौकी आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है इस बार, तो चलिए इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये लौकी हार्वेस्ट कर ली है, छोटी सी है पर क्या करें फ्रेंड्स, जैसी मिल रही है वैसी है। और अभी आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये वाली जो लौकी है ये लंबी ग्रोथ जाएगी इनकी, क्योंकि अब मौसम थोड़ा चेंज हो गया है। और ये देखिए थोड़ा सा ये इनको अलग करना पड़ेगा, इन्हें तो ये क्या जकड़ लेती है जो इनके धागे होते हैं ना, इनको थोड़ा दूर करना है, देख लीजिए। ये देखिए इनके कपड़ा लगा देती हूँ सपोर्ट के लिए, अभी मतलब कपड़ा ऐसे ढक दूंगी इनको। तो ये देखिए ये मक्खी होती है तो ये देखिए डंक मार देती है, ये देखिए। और इधर टमाटर, काफ़ी सारा टमाटर आ रहे हैं, देखिए टमाटर टमाटर, टाइम लगेगा इनको थोड़ा, और इनमें खाद भी डालूंगी मैं। और ये देखिए मेरा कनेर का प्लांट काफ़ी अच्छा चल रहा है। और ये देखिए सेम की फलियाँ, ये देखिए ज़्यादा तो नहीं आ रही फ्रेंड्स, पर इनको भी ले लेते हैं, ये देखिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कीड़ा लग गया था तो मैंने कीड़ा हटने के बाद में देखिए अच्छी हो चुकी है, तो जो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो चुकी है फलियों को ले लेते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने नीम ऑयल का स्प्रे भी किया था, फर्क कुछ ज़्यादा ही लग गया था कीड़ा, इसलिए मैंने इनको हटा दी थी। और देखिए काफ़ी सारी गुच्छों में आ रही है, देखिए फ्रेंड्स फलियाँ ना बीच बीच में आ रही है, ऐसी तो फलियाँ ऐसे ही पत्ते। और ये देखिए जुड़वा जुड़वा जैसी लग रही है, ये ले लेते हैं, थोड़ी कच्ची है अभी, जितनी पकी हुई है उनको ले लेते हैं, ढूंढनी पड़ेगी इसकी। देखिए इसमें गुच्छे गुच्छे आ रही है तो इसमें देखते हैं कितनी सारी है, देखिए ढेर सारी लगी हुई है इसके अंदर, ये देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी सारी फलियाँ आ रही है। और ये मैंने छाछ डाली थी, देखिए छाछ का कमाल, ये देखिए थोड़ी पकेगी जब लूँगी इनको, अभी थोड़ी सी कच्ची लग रही है, ये देखिए। देखिए थोड़ी सी फली निकली है पर यह है कि समय पर हार्वेस्टिंग करना भी ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो लौकी है इनको अभी मैं इन्हें कपड़ा लगाऊंगी। और ये देखिए टमाटर, काफ़ी सारे टमाटर आ रहे हैं, ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स, दोनों को मैंने कवर कर दिया है कपड़े से ताकि एक डंक मारती है मक्खी, इससे क्या है कि फल ख़राब हो जाता है, तो इसको कवर कर दिया है, ये देखिए। और अभी इसमें काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग चल रही है, ये देखिए, और टमाटर भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, देखिए। और ये देखिए फूल आ रहा है गुड़ैल का, तो ये भी ले लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे से मिर्ची का प्लांट है मेरा, इसमें क्या है कि कीड़ा लग गया था तो मैंने इसकी पिंचिंग कर दी थी। और देखिए अभी नई नई ग्रोथ निकल चुकी है, फ्लावरिंग हो रही है इसके अंदर, और अब इसमें है जो मिर्चियाँ बनेगी।
और देखिए फ्रेंड्स इसमें आ रहा है एक बैंगन, देखिए एक बैंगन ये भी आ गया है, तो इसको भी ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स फलिया इधर भी मिल चुकी है, ये कलर ऐसा, और देखिए फ्रूटिंग कितनी अच्छी हो रही है, देखिए फूल काफ़ी अच्छा आ रहा है। और ये देखिए मखड़ी पीला कलर की, ये देखिए, और अभी तो थोड़ा दिन चलेगी इसके अंदर फ्रूटिंग, ये देखिए। अब इसमें मैं छाछ का आना है जो खाद डालने वाली हूँ, और दोबारा से देख लीजिए, और छाछ रखी हुई है इसमें, काफ़ी देर हो गई मुझे टेरेस पे आया, मैंने झाड़ू वाड़ू लगा लिया इधर उधर का। और अभी है ना इसमें जो खरपतवार हो रही थी और कुछ टमाटर के पत्ते ख़राब हो रहे थे उनको हटा दिया है, और ये देखिए जड़ें निकल चुकी है। तो फ्रेंड्स 15 दिन में मैं एक बार मिट्टी डालती हूँ, क्योंकि मिट्टी से ही ये है ना भोजन बनाते हैं मतलब पौधे, और इसके अंदर क्या होता है केंचुए वगैरह होते हैं, तो उनको भी भोजन चाहिए, तो मिट्टी वैसे मिट्टी भी कम होती जाती है, और दूसरी क्या पानी डालते रहते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए इधर उधर मिट्टी बह भी जाती है, तो जड़ें जब निकल जाती है तो फ्रेंड्स सूरज की जो किरण पड़ती है जड़ों के ऊपर, तो उससे क्या होता है कि है ना जो पौधे को काफ़ी नुकसान होने का डर रहता है, तो इसलिए 15 दिन में मैं एक बार मिट्टी डालती हूँ। तो देखिए गुड़ाई उड़ाई कर ली है मैंने, और ये देखिए मेरी मिट्टी रेडी रखी है, तो अब मैं ना जो इसमें मिट्टी डालने जा रही हूँ, बस ये कि जड़ों पर धूप नहीं पड़नी चाहिए, धूप पड़ेगी तो फ्रेंड्स क्या पौधे मरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो फ्रेंड्स 15 दिन में एक बार ज़रूर करना चाहिए। और अब आ चुकी है फ्रेंड्स थोड़ा मौसम, धूप तेज़ हो गई है, तो अब आप मल्चिंग भी थोड़ी थोड़ी कर सकते हो, और हफ्ते में एक बार गुड़ाई भी करनी चाहिए, तो मैंने गुड़ाई कर दी है। 15 दिन में एक बार मिट्टी डालती हूँ मैं, तो ये देख लीजिए मिट्टी डाल दी है, और टमाटर की फ्रूटिंग हो रही है देख लीजिए। तो ये है कि थोड़ी खरपतवार वगैरह हो रही थी उसको हटा दिया है, ये देखिए इतना सारा कचरा आगे पड़ा हुआ है, तो अभी फ़िलहाल मैं यही सब मैं करती जा रही हूँ, ये जो जितने भी टमाटर लगे हुए हैं मेरे इसके अंदर, तो देखिए अब पानी वानी डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स दूसरी वाली कैरेट में भी मैंने गुड़ाई कर दी है, और देखिए आपको केचुआ दिखाती हूँ, ये देखिए केचुआ है। तो केचुआ फ्रेंड्स मिट्टी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, इन्हें मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं, मिट्टी को उन्हें जो उपजाऊ बनाते हैं। ये देख लीजिए इधर मिट्टी डाल दी, इस वाली कैरेट में डाल रही हूँ, और देखिए टमाटर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो यही है कि हफ्ते में एक बार गुड़ाई, 15 दिन में एक बार मिट्टी डालना ज़रूरी है, और आप 15 दिन में एक बार इनमें लिक्विड खाद डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का भी डाल सकते हैं, सॉलिड खाद भी डाल सकते हैं, लिक्विड खाद भी डाल सकते हैं, दोनों ही खाद डालना अच्छा रहता है देख लीजिए। और मैं जो भी डालती हूँ आपको साथ में शेयर ज़रूर करती हूँ, ये देख लीजिए। और अब मैं डाल रही हूँ मिट्टी, और देखिए जड़ें काफ़ी ऊपर तक आ गई थी, तो इससे क्या है कि दोनों ही फायदे होते हैं, जड़ों को भी थोड़ा सा कट जाती है तो फ्रेंड्स सही रहता है, ऊपर आती है तो जड़ें बहुत ज़्यादा पोषण खाने लग जाती है, और इससे क्या मिट्टी भी थोड़ी सी डालने से इनको भोजन मिल जाता है। ये देखिए ऐसे करके, और कैरेट का अंदर फ्रेंड्स मैंने बहुत सारा किचन वेस्ट भर रखा है, तो देखिए किचन वेस्ट से भी इन्हें बहुत अच्छी है ना जो फ्रूटिंग होती है, तो देखिए किचन वेस्ट को आपको फेंकना नहीं चाहिए, आप या तो उसको सुखा कर और ऐसे कैरेट में तैयार करके रख सकते हो। देखिए मैंने जब भी मैं कैरेट वगैरह ग्रो बैग भरती हूँ, तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देखना, अगर आप ग्रो बैग अगर कैरेट अच्छे से भरोगे तो आपकी देखिए इस प्रकार से अच्छी अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी आपको, देखिए। सब मैंने छाछ का लिक्विड खाद डाल दिया है, क्योंकि मैंने शूट नहीं कर पाई थी अभी, ये देखिए सब में गुड़ाई उड़ाई कर दी है, ये देखिए, और कनेर का भी काफ़ी अच्छा चलने लग गया है, और ये देखिए फलियां भी काफ़ी सारी आएगी अभी, और इसमें भी छाछ का छाछ डाल दिए देख लीजिए, छाछ में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है जो पौधे के फ्रूटिंग में बहुत फ़ायदा करता है, और इससे पौधा भी मजबूत बनता है कैल्शियम से। ये देखिए, ये देखिए कितनी सारी फलियों के फूल आ रहे हैं, ये देखिए भर भर के देख लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स टेरेस पर है ना जो टमाटरों की गुड़ाई उड़ाई कर दी थी, मिट्टी विट्टी डाल दी थी, और हार्वेस्टिंग कर ली थी कल मैंने, और अब है फ्रेंड्स आपको जो नीचे है थोड़ा बहुत प्लांट है
इनकी ग्रोथ दिखा देती हूँ, काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, ये देखिए दिखाते हैं। और फ्रेंड्स जो मैंने कटिंग से लगाई थी मनी प्लांट, छोटी छोटी कटिंग लगाई थी, पहले तो पानी में मैंने इनको ग्रो की थी और ग्रो करने के बाद में लगाई थी फ्रेंड्स, बहुत शानदार तरीके से चल रही है। तो अभी भी आप कटिंग लगा सकते हो, वैसे मनी प्लांट की कटिंग तो आप साल भर लगा सकते हो, दिखाती हूँ आपको, बहुत ही सुंदर लग रही है और प्लांटों से ही घर अच्छा लगता है। और ये सारे ऑक्सीजन प्लांट हैं, तो दिखाती हूँ। बस ये कि 15 दिन पहले मैंने इनके अंदर ना फ्रेंड्स मिट्टी डाली थी, देखिए मिट्टी इनका भोजन होता है तो मिट्टी डालना भी ज़रूरी होता है। तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी लीव निकल रही है, सुंदर सुंदर, और आप भी अपने कटिंग से ग्रो कर सकते हैं इनको। तो देख लीजिए, ये देखिए काफ़ी सारा कलेक्शन है फिर मास मनी प्लांट का। ये देखिए, ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी चल रही है। और ये देखिए उधर से स्पाइडर प्लांट वगैरह है, काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। ये देखिए क्रोटोन में अच्छी अच्छी लीव निकल चुकी है, ये देखिए। और ये देखिए ड्रेस लेना फ्रेंड्स, इसकी अब जाके पिंक कलर की पत्ती निकली है, बहुत सुंदर लग रहा है ये। और देखिए फ्रेंड्स इसमें कई सारे प्लांट निकल रहे हैं नीचे, बेबी प्लांट्स, तो इनको मैं अलग कर दूंगी। और ये मांग के लेके आई थी मैं एक भाभी जी से, तो देखिए ये देखिए। और फ्रेंड्स अभी आप है ना जो भिंडी है, बैंगन है और लौकी गिलकी सब लगा सकते हैं। तो अभी ये तो सर्दी की लौकी थी जो मैंने हार्वेस्ट करी थी, अभी गर्मी की है जो आप लगा सकते हो अभी। तो अभी मैं लगा, पौध मेरी तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। और अभी मैंने जो यहाँ पर टेरेस पर जो लग रही है वो जो आपको दिखा रही हूँ मैं, और इसमें भी अच्छी अच्छी खासी फ्रूटिंग हो रही है। और गांव में भी मैंने जो लगाने का सोच रही हूँ फ्रेंड्स, पर यह है कि थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी का जुगाड़ नहीं हो पाया है मेरा ढंग से अभी, तो दोनों तरफ ही रहेगा गार्डन तो। और यही है कि आप वेजिटेबल लगा सकते हैं और ऑर्गेनिक सब्जियाँ खा सकते हैं। और फ्रेंड्स किचन वेस्ट को फेंकना नहीं चाहिए, बहुत ही उसका सदुपयोग हो जाता है, यूज हो जाता है, उससे गंदगी भी नहीं फैलती है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही है, अगर आज का मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।